आटा मिल भी रहा है कि नहीं? कुछ भी नहीं, 15 दिन से जलील हो रहा है, जहाँ पता चलता है मिल रहा है, पहुँचते हैं थोड़ी देर बाद वो बंद कर देती है, खत्म हो गया हुआ। 6-7 दिन हो गए ना, कदों आटा ही नहीं मिलता पे। ये बड़ी जालिम हुकूमत है, इनको पागल कर दिया लोगों को, दे नहीं रहे, जलील होने आटा नहीं आ रहा। कहाँ पे से आए, सीधा इधर ही आ गए हैं, घर नहीं गए? आटा सर है ही नहीं, आटा आए आए भी तो देते ही नहीं है, दुकानों पे भेज देते हैं, लोगों के गोदामों में भेज देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिग न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उसामा खामिस बिन हास। नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जहाँ पर और भी मकबूलियत की वजूहात थीं, वहाँ पर एक उनकी मकबूलियत की वजह रोटी कपड़ा और मकान का नारा था। रोटी बुनियादी ज़रूरत है और इसी रोटी के सस्ते आटे के लिए अवाम दर बदर होती है, ख्वार होती है। सस्ता आटा हुकूमत कह तो देती है, क्या अवाम को मिलता भी है कि नहीं? नाज़रीन, हम यूटिलिटी स्टोर पर रोज़ाना कतारों की कतारें देखते हैं, जिनमें ख़वातीन व हज़रात की लंबी लंबी कतारें होती हैं, यहाँ तक के छोटे बच्चों के साथ भी माएँ आती हैं जो कि आटा, घी और दीगर अशिया लेने के लिए आती हैं। आटे के लिए कहा तो जाता है कि सब्सिडाइज आटा है जो कि यूटिलिटी स्टोर पर मुहैया किया जाता है। आज हम एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, यहाँ के क्या हालात हैं, क्या आटा मिलता भी है कि नहीं, क्या सिस्टम है, क्या रेट क्या चल रहे हैं, आवाम क्यों ख्वार होती है, रोज़ाना के जो चक्कर हैं वो क्यों लगते हैं, घंटों आवाम खड़े रहती है, क्या ऐसा होना चाहिए, दकम पेल क्यों होती है, आज हम आपको ये सब कुछ दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पर ख़वातीनों हज़रात का एक जमे गफ़ीर है। क्या बात है, क्यों खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। बाकी मुझे बताएं कि क्या बात है, वो उसको बंद है, शटर क्यों बंद है? खाने का वक्फा हुआ है। खाने का वक्फा, अच्छा, आप किस लिए आए? आटे और घी के लिए। आटे और घी के लिए जी। मुझे ये बताइएगा कि आटा मिल भी रहा है कि नहीं? कुछ भी नहीं, 15 दिन से जलील हो रहा है, जहाँ पता चलता है मिल रहा है, पहुँचते हैं थोड़ी देर बाद वो बंद कर देती है, खत्म हो गया हुआ है, घी भी खत्म हो गया, आटा भी खत्म हो गया हुआ है। 15 दिन? हाँ, 15 दिन से क्या हुआ, इस तरह धक्के खा रहे हैं, हर स्टोर पे यही हाल है, एक किसी भी स्टोर पे हमें नहीं कुछ भी मिल रहा। बाजी, आप कितने स्टोर पर जा चुकी हैं, कितने स्टोर्स पर? हम लोग मॉडल टाउन भी गए हैं, ये नाले पे है, उधर भी, इधर भी, इसी तरह आ रहे हैं हम 15 दिन से, तो हम लोग मजबूर है, जाहिर बाहर से इतना महंगा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जब इन्हीं जगह पे आना है हम लोगों ने, इधर ना घी मिलता है ना आटा मिलता है। क्या बाहर आटे का क्या रेट है और इधर क्या? ये जो है वो जी 15 किलो का जो आटा है वो 1600 का मिल रहा है, और जो 1600 का 1700 का इस तरह मिल रहा है। इधर कितने पैसे की बचत हो जाती है? इधर 20 किलो जो है वो 800 का मिल जाता है, तो जाहिर है आधो आध का फर्क पड़ जाता है, तो गरीब लोग ने इधर ही धक्के खाने और क्या करना है। आप मुझे बताएं कितनी देर से इधर खड़ी है? आधा घंटा तो हो ही गया तकरीबन, मुझे यहाँ पे खड़े, इसके अलावा जो बाकी खड़े हैं वो इससे पहले के खड़े हुए हैं। इससे पहले जी रोजाना ऐसे ही खड़ा होना पड़ता है? जी हाँ, इसी तरह सुबह का टाइम भी और ये सेकेंड टाइम भी इसी तरह खड़ा होना पड़ता है। बास का इस तरह होता है, आते हैं जब तक हमारी बारी आती, पहुंचते वक्त वो जनाब जी आटा भी खत्म हो जाता है, घी भी खत्म हो जाता है, बगैर वो किराए 300-400 किराया लगा के घर वापस चले जाते हैं। अब आई कहाँ से? लिंक रोड से। लिंक रोड से जी। 15 दिन से ऐसे ही चलता रहा है। हाँ बाजी, घर में काम काज भी करने होते हैं, तो जब बंदा सारा दिन इन्ही कामों में रहेगा तो काम काज तो रह जाएंगे, सारा काम छोड़ के आना पड़ता है हमें, जाहिर है मजबूर है, क्या करें, हस्बैंड मेरे बीमार है, वो इतना काम नहीं कर सकते। बाजी, आप क्या कहना चाहते? यहाँ पर आया आटे का ट्रक आया, लोगों ने ये दुकान वाले ऊपर वाले जहाँ इन्होंने उतरने नहीं दिया, उन साथ मार पीट करी, डंडा लेके आ गए उनको, तो उनको उतरने नहीं दिया, इतनी लाइन लगी थी लोग, औरतों ने इतनी खुशामद करी, भाई आटा हमें दे जाओ, वो बेचारा फिर उतरने लगा आटा देने के लिए, इन लोगों ने आटा उतरने नहीं दिया, फिर वो वापस चला गया, फिर हम लोग वापस चले गए, ज्यादा कर रहे हैं ये। आप भी सस्ते आटे के लिए आए हैं? हाँ जी। सस्ता आटा मिलता भी है कि नहीं? मिलता है। मिलता है? हाँ। तो अब क्यों नहीं, अब तो इतनी लाइनें लगी हैं, वो कह रहे हैं अभी बंद है, वैसे ये बाजी 15 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। नहीं, कल भी ऐसे ही चक्कर लगते हैं। हाँ। मैं तो 5-6 दिन हो गया चक्कर ला दिन, आटा आया ही। कहाँ पे लेने के लिए आई? यहाँ पर? 5-6 दिन हो गए। 6-7 दिन हो गए ना, कदों आटा ही नहीं मिलता पे। बाजी क्यों, आप 5-6-7 दिन आपको हो गए हैं, क्यों नहीं आया? आया सी आटा ते अथो तक लाइन सी लगी, जो साड़ी वारी आई आटा खत्म हो गया। और कितने घंटे खड़ा होना पड़ता है? बड़ा चेर खलोता है, 2 घंटा भी हो जाता है, डेढ़ लग ही जाता है।
डेढ़। ये बाजी बता रही हैं कि 15 दिन उन्हें हो गए हैं, उन्हें 7 दिन उन्हें हो गए हैं। आटे के लिए बुनियादी चीज़ है, लोग यहाँ पर लाने हैं, बच्चे उठाए हुए हैं यहाँ पर। नाजिन ये आप लहजा कर सकते हैं, कितने दिन हो गए हैं बाजी आटा बुनियादी गए हैं, उस तो बाद ही सीधा कोई नहीं मिलया है। तो अज आए तो वहाँ बहुत ज़्यादा वे रश, तो कोई उम्मीद नहीं है कि देंगे आटा। अच्छा, कितने दिन हो गए? महीना हो गया। आपको महीना? हाँ जी, एक महीना हो गया, उस तो बाद आटा नहीं मिलया है। आ रहे हैं स्टोर से, जा रहे हैं, नहीं आ रहे आटा। आपके सामने आटा आता भी है कि नहीं? कोई पता ही नहीं चलता, जाएंगे तो फिर आएगा तो साथ ही खत्म हो जाएगा। साथ ही खत्म? हाँ जी, पता ही नहीं चलता क्या थोड़ा दिन दे पे ने कई। ये नाजिन उस जानब दरवाजा, जस्ट अ मिनट, वो जरा उस तरफ दिखाइएगा दरवाजा भी। उन्होंने शटर उठाया है और लोगों को देखें, मेरा ख्याल में अब फरामी शुरू होगी। अभी हम देखेंगे क्या करते हैं। ये देखिए, अभी लोगों को वो अंदर उन्होंने गुजारना शुरू कर दिया। जी बाजी, चार औरतें हड़नगे, चार मर्द हड़नगे, ना आएगा तो जावांगे तो खत्म हो गया आएगा। अच्छा, चलें जी इस तरफ आए, ये हम ये भी दिखाते हैं। इस वक्त नाजिन ये उसका शटर उन्होंने उठाया है, इस तरफ अगर दिखाएं तो एक दकम पेल है, लोग अंदर की जानब, वो जो शटर उठाया गया है दकम पेल में, लोग अंदर की जानब जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो घंटों यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही वो शटर खुला वो लोग अंदर की जानब भागे हैं। ख्वातीन भी हैं, ऐसे लोग हैं जो कि 15-15 दिन से, एक एक हफ्ते से, और वो बाजी जो बता रही हैं कि एक महीना हो गया है सिर्फ आटे के लिए, सस्ते आटे के लिए ये ख्वातीन अपने घर के काम काज छोड़ कर यहाँ पर आई हैं। अच्छा बाजी, एक आटा होता है लेकिन वो सारा सेल हो जाता है, छोड़ जाते हैं, कोई समझ ही नहीं आ रही। रोज असी अन्ने को फ्री तो नहीं दे रहे कि ना अन्ने पैसे ही ने रोज लैके आवीए कि लैन आवीए, चीज नहीं दे रहे। हूँ देख लो किस तरह दुनिया नू जलील कर रहे हैं। लंच केड़ा टाइम है इस वेले लंच का? चलो 1-1.5 बजे तो होगा लंच, ये टाइम है लंच का? वो भी इंशाल्लाह ये भी चीज को देखते हैं। जी क्या कर रहे हैं, मुफ्त तकसीम दे रहे हैं? मुफ्त तो अभी तो लेने आए हैं सर, ये बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ये खवातीन है सर, इतनी कतारे हैं, बच्चे उठाए हुए हैं, बच्चियां लोगों ने पागल, ये बड़ी जालिम हुकूमत है, इनको पागल कर दिया लोगों को इन्होंने। देखो बच्चे बूढ़े औरतें खड़ी हैं, ये कोई तरीका है? अच्छा जिनसे बाजी ने बताया, बाजी क्या मिल रहा है आटा कि नहीं? नहीं कहते, मैं पिछले महीने मैं भी ले आया, पिछले महीने से 10 किलो का लिया है, तो 10 किलो कितने दिन चलेगा? नहीं, आपने पिछले महीने लिया था, 10 किलो मिला था, तो बाजी क्या पूरा महीना हमने 10 किलो वही खाना है? खाने अब मिल रहा नहीं, आज आया ही नहीं होया आटा, अभी आया नहीं, नहीं आटा आया ही नहीं, आया नहीं है। चले इसकी सूरत हाल दिखाएं जी, जरा इधर को जरा आए, आपको ये दिखाते हैं ख्वातीन की, मर्द की, यहाँ पर कितारें हैं, दूर दूर से लोग आए हैं सिर्फ आटे के लिए। बाजी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर से खड़ी है? हमें 1 घंटा हो गया खड़े हुए, 2 बजे के। ये 2 बजे, ख्वातीन का एहतराम किया जाता है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, अफसोस होता है कि आपको घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, तो ये कोई परवाह नहीं है? देखिए ये हुकूमत का है ना, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये बैठ के हमारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं, ये गंजे बैठ के। मैं अभी आई थी 12 बजे पता करके गई हूँ। अच्छा। तो कहने लगे कोई कंफर्म ही नहीं है, कितने बजे भी गाड़ी आ जाए, 2:30 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए, 3:30 बजे आ जाए, कोई वो ही नहीं है, रूल ही नहीं है कोई। ये बच्चा किसके साथ है? ये इनके साथ। ये आपके साथ? जी। बाजी घर के काम काज छोड़ के ड्यूटी से इधर आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान कौम ही ऐसी है, अगर किसी का कुछ बहुत तंग कर रहे हैं, कब से खड़े हैं, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा ही नहीं पूरा हो रहा इनका, इतनी बड़ी लाइन है, वो देखिए कहाँ तक लाइन लगी हुई है। ये बच्चे के साथ आई हैं जी ड्यूटी से, और ये छोटा बच्चा, वो तो घंटों खड़ी रहेंगी, ये भी जो मासूम कली है, ये भी 1.5 घंटा 2 घंटे ये माँ के साथ इधर खड़ा रहेगा। क्या बचा, क्या उसके जहन में आएगा कि इस मुल्क की सिचुएशन ऐसी है? यहाँ पर वो नारा जो कि पीपल्स पार्टी के बानी
ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया था रोटी कपड़ा और मकान। रोटी, आटे की रोटी, आटा लेने के लिए जिस मुल्क में, जिसकी जमहूरियत में घंटों खड़े होना पड़े, सवालिया निशान है किन के लिए? सियासतदानों के लिए। अच्छा मुझे बताएं कि उन्होंने जब आपने कहा कि आटा है तो उन्होंने कहा नहीं, अभी उन्होंने कहा नहीं है आटा, घी है आटा नहीं है, ये कहा है हमें। तो एक घंटा 3 बज भी गए हैं, उसके बावजूद भी देखें कितना रश है, भागम दौड़ी मची हुई औरतों में। हाजी अब कितने दिनों से आ रहे? मैं तकरीबन ये तीसरा के चौथा दिन है। सिर्फ आटे के लिए? आटे और घी के लिए जाना आना पड़ता है। तो सारी सी बात है के लिए अब हमें अपना टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि हमने इतने घंटे यहाँ पर रहना है। सारी सी बात है। अल्लाह अकबर। और चंद पैसे हम बचाने के लिए जी, कि हमारी बचत हो जाए, बचत हो जाए बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। ये बात, ये हालात है नाजिन। आगे चलते हैं जी, आपको आगे के भी मनाजर दिखाते हैं। बाजी आप अस्सलाम वालेकुम, कितनी देर से आई? 1 बजे के। 1 बजे? हाँ जी। कितनी देर खड़े हुए, कितनी देर होगी? वहाँ बैठी थी, अब थक गई थी, शुगर की मरीज हूँ तो मैंने खड़े तो होना। शुगर की मरीज? हाँ जी। कितने दिनों से आ रही? नहीं नहीं, हम कल आए और आ जाए। कल क्यों नहीं मिला? नहीं कल मिला था। अच्छा। लेकिन बेटी मेरी ना मजदूर है, अपनी बेटी के लिए लेने आई है, उसकी जगह पे आई हूँ। उसकी जगह पे? आपकी उम्र क्या है? 60-65 साल। और शुगर की मरीज? चलें, इस हालत में खड़े होना बड़ा मुश्किल है जी। बाजी आप कब से? हम लोग 1 बजे से। 1 बजे के? और अभी मैं घंटा डेढ़ तो हो गया। हाँ जी। क्या कहते हैं आटे की? आटा नहीं आ रहा, आटा नहीं आ रहा। चलें जी। नाजिन यहाँ पर मर्दों की भी एक लंबी लाइन है, काफ़ी ज़्यादा अंदर भी अभी चले गए हैं क्योंकि जब ये शटर उठाया गया है तो अंदर गए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? आबद अली बहन। कब से आए? भाई जान सुबह दे आए हैं। सुबह के आए? हाँ जी। भाई क्या लेने आप? आटा घ्यो लेना सी, वो उन कह रहे ने आटा नहीं हैगा घ्यो हैगा। अच्छा आटा नहीं? नहीं आटा नहीं है। 8 दिन हो गए, दे नहीं दे। दलील होंगे आटा नहीं आ रहा। आने है तो लेना है, लग लग तो दलील लेना जी। कल भी आए हैं, कल ट्रक आया, उतलियां दी लड़ाई हुई, वो फिर ट्रक ले गए वापस। इनकी लड़ाई हुई ऊपर वालों दी? क्या लड़ाई किया? वो ट्रक वाले कह रहे थे इधर लगाना है, वो कह रहे थे इधर नहीं लगाना। अच्छा। आगे ले जाओ, वो पीछे ले गए, फिर वो ले गए। हाँ जी आटा ले गए। भाई जो आवाम इधर घंटों से आई थी वो ख्वार होके चले गए। सुबह के आए थे। आप पाकिस्तानी? हाँ जी। आपका हक नहीं आटे? हक तो है भाई जान, क्या करें, हुकूमत है। अब क्या कहते हैं आप? गए दे नहीं रहे, की करिए साडा हुण इथे कोई जोर तो। आपने पूछे उनसे? हाँ जी पूछते ही पए। क्या कहते हैं वो? आ स्टोरा लवा तो बैर आते वो कदा देते रात चुंगा दे लेंगे तो जे दूजे बंदे ना नहीं देंगे। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करने हैं। मजदूरी नहीं रहेगी भी, कोई एक लगती दा दा दे महीना में नवेले पे। सस्ते आटे के लिए आप यहाँ पर आए? हाँ जी। कितनी देर से इधर खड़े थे? मजदूरी करिए जा आटे मगर भजिए, साडा माड़े बंदे दा यही सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक लोगों की एक लंबी कतार और आटे के हसूल के लिए जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? रमज़ान। रमज़ान साहब क्या करते हैं? मैं जी मोटरसाइकिल का रिम बनता, वहाँ जाता हूँ सुबह के टाइम। अच्छा। और सुबह यहाँ शाम को यहाँ आके लग जाते हैं और यहाँ मिलता कुछ नहीं है। शाम को यहाँ? हाँ जी। जब काम पे से आए सीधा इधर ही आ गए हैं। अच्छा। घर नहीं गए, यानी कि तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ता? हाँ। वहाँ सुबह काम पे जाते हैं, काम पे से इधर आके लाइन में लग जाते हैं, यहाँ सौदा नहीं मिलता, इतनी परेशानी है। तो मुझे बताएं क्या कहते हैं, क्यों नहीं मिलता आटा चीनी और जो घी है? ये आपका हक है? इनके अपने बंदे आते हैं, वो फोन करते हैं, वो अंदर पे चले जाते हैं। अच्छा। वो सौदा लेके बाहर। आप उन्हें कहते नहीं कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, ये हमारा हक? सब कुछ कहते हैं मगर वो नहीं सुनते। वो जो उनके अपने फोन करके बंदे आते हैं ना, वो अंदर और जो लाइन में लगे हैं वो बाहर। वो सौदा लिया, वो घरों को चले गए, दूसरे पागल हैं। आई समय में कि नहीं, 1 हफ्ता हो गया हम खज्जर खवार हो रहे हैं ना आटा। हाँ, ये ना आटा ना घी कुछ नहीं आ रहा। और जो आता है वो जब यहाँ आते हैं फैक्ट्री से तो ख़त्म होया हुआ होता है। अब लगे हमें अल्लाह की आस पे, जब मिल गया तो ठीक है, वरना घर तो जाएंगे ही।
आप कितनी देर से आए हैं जी? भाई अगले दिन आए थे, घी आटा लेके गया थे। अच्छा। ते घी नहीं था। अच्छा। आज घी लेने आए। कितनी देर से खड़े हैं? ये हो गया आधा घंटा होगा। आपको लगता है कि ऐसा ये खवातीनों हजरात कई कई घंटे खड़े रहते हैं, ये इनकी आप नहीं समझते कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बेहतर नहीं है? कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चियां हैं यहाँ पे, बेटियां अपने बच्चों को लेके आई हैं। खुशामती हैं वो, खुशामती आते हैं सिफारशी, वो लेके चले जाते हैं, गरीब इधर लाइनों में लगे रहते हैं। ये अफसोसनाक है। चलें जी आगे भी चलते हैं, देखते हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कितनी देर से खड़े? वाह हो गया गोदा खड़ा। अच्छा। तो क्या आटे के लिए आए हैं? आटे के लिए? हाँ जी आटे की ले आए हैं, त्योहली ले आए हैं कि होली जी आटे ली और की खाना। क्या कह रहे हैं आटा मिल जरूरी है, जरूरी काम है, जरूरी सारे लोग के होते आटा तो चीज नहीं, इन्हें बगैर गुजारा ही नहीं, बाकी चीज़ अगर ना भी खाओ तो फिर गुजारा बगैर गुजारा। हाँ बुनियादी चीज़ है जी। ये आप देख रहे हैं इस टाइम इधर खड़े हैं क्यों भी आप? अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर से आए हैं? हम तकरीबन 250 के यहाँ पे आए हुए हैं। 2:50 पे तो लेने क्या है? आटा घी चीनी बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें इजीली यहाँ से मिलती नहीं है। तकरीबन एक हफ्ता हो गया आटे की तलाश में हमें, और हमें आटा नहीं मिल रहा। मार्टर मोड़ पे जो स्टोर है वहाँ पे भी गए हैं, हमें नहीं मिला। फिर यहाँ पे भी आए, यहाँ पे कहते हैं झगड़ा हो गया है तो उन्होंने आटा यहाँ पर देना बंद कर दिया है। लेकिन ये हमारा कसूर तो नहीं है कि अगर झगड़ा हो गया तो गवर्नमेंट ने आटा यहाँ पर देने स्टोर पर देना बंद कर दिया है? दे गवर्नमेंट यहाँ पे भी भेजे आटा, अगर दूसरे स्टोर पे दे रही है तो ये तो जलील कर रही है गवर्नमेंट आके। हमें जब से आई है हमें हम लोग जलील ही हो रहे हैं यहाँ पे। इसको अब चले जाना चाहिए इस गवर्नमेंट को, इनको इलेक्शन करवा के साइड पे क्यों नहीं हो रहे? अगर ये नहीं आवाम को कुछ दे पा रहे तो क्यों आवाम को तंग कर रहे हैं ये लोग? अभी आटा इधर मौजूद नहीं, वो कह रहे हैं कल आया था, इधर झगड़ा हुआ और वो आटे वाले वापस चले गए। हमें आटा यहाँ से झगड़े की वजह से इन मासूमों का क्या कसूर है कि जिन्हें भूख लगी है, जिन्होंने रोटी खानी है, वो उस झगड़े की वजह से इनका क्या? इनका कोई कुछ आपने पूछा नहीं? हम इनसे पूछे, आप इनसे पूछे ना कि ये क्यों हमें, हम भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए पूछेंगे। आप कितनी देर से? मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया। अच्छा क्या कह रहे हैं, मिल जाएगा आटा? आटा नहीं, घी या चीनी। आटा नहीं है? आटा नहीं है, बाकी कोशिश है अल्लाह करे ये भी मिल जाए तो ये भी बड़ी बात है भाई। क्या काम करते हैं? हाँ मैं मजदूरी करता हूँ। आटे का थैला लेने के लिए आए हैं? घी चीनी। आटे की क्या कीमत बता रहे हैं? ये यहाँ पे 400 रुपए का थैला देते हैं। 10 किलो क्योंकि नहीं मिल रहा, क्योंकि मिल भी नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा जी। आम स्टोरों से मिलता है वो भी अब शॉर्ट हुआ है, वहाँ से भी नहीं। इधर कितने का मिलता है? वहाँ से मिलता है जो 10 किलो है वो 650 रुपए का मिलता है, और इधर 400, यहाँ से 400 रुपए का मिलता है, वो 200-300। इसीलिए नहीं मिलता, लाइनों में लग जाते हैं हम लोग, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। फिर भी हम लोग अपने काम छोड़ के पता नहीं किस तरह से हम लोग यहाँ पे आगे लाइनों में लगते हैं, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। चलें जी शुक्रिया। देखते हैं नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं कि किसी झगड़े की वजह से उसकी सज़ा जो है वो आवाम को दी जा रही है। कैसे ये हो सकता है कि इन बेचारे लोगों के साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर। सर क्या हाल है? ठीक है सर, अल्लाह। क्या लेने आए? सर आटा घी लेने आए, यही मुश्किल है सबसे ज़्यादा। ऊपर से कारोबार भी नहीं, ऐसा बहुत डाउन है, तो आटा घी भी मुश्किल है, लात मुश्किल ही है ज़्यादा फिलहाल। किसी को दोस्त तो नहीं दे सकते, लात मुश्किल है, बराए मेहरबानी करें लोगों को। आटा लेने आए हैं तो मैंने तो पता किया, वो कह रहे हैं कि कल इधर कोई लड़ाई हुई है जिसकी वजह से वो गाड़ी वापस चली गई, तो आज आटा नहीं है। सर ये ऐसे कहेंगे, कोई भी बात कर सकते हैं हम, उनका क्या करेंगे बताएं आप, हम क्या कर सकते हैं इनका? सर इधर तो एक एक हफ्ते से लोग आ रहे हैं, कभी किसी तरफ जाते हैं, कभी किसी यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं, बता रहे हैं उधर जाते हैं नहीं मिलता, फिर दूसरी जानब जाते हैं वहाँ भी नहीं मिलता, फिर इधर आए हुए हैं। ये तो नोटिस लेना चाहिए ऊपर वालों को कि ये क्या क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, लोगों को दुश्वारी आ रही है, तंगी कितनी है, तो उनको देखना चाहिए। लेकिन आवाम तो जलील होएगी ऐसे, फिर ये तो उनका काम है देखना सारा, लेकिन देखना आप क्या काम करते हैं? ये राजगिरी मिस्त्रियों का। तो अपना वक्त निकाल के इधर इसके लिए आए? हाँ जी। आपने क्या सोच कर आए थे कि मुझे कितने घंटे यूटिलिटी स्टोर में खड़ा होना पड़ेगा? 1.5 घंटा सोच के आया हूँ कि पीछे काम नहीं करेगा तो 1.5 घंटे में मुझे वो मिल जाएगी? मिल जाए, लेकिन सोच के आया हूँ
लेकिन मिले ना मिले अलग बात है। इधर तीन भी लग सकते हैं। हाँ जी, लेकिन जहाँ काम है जहाँ आटा गई है, दोनों से एक चीज तो है। अच्छा, इधर ये तो आप राजगिरी का करते हैं, जो कोई ऑफिस में जाना है किसी ने और कोई ड्यूटी पे जाना है तो वो तो फिर छुट्टी करेगा? हाँ जी, मुश्किल ज्यादा है। आपका तो चलें ये है कि आपका अगर ना होगा तो दिहाड़ी मिस हो जाएगी। हाँ जी, अगर वो आएगा तो या तो वो नौकरी से जाएगा या उसकी भी मसाइल पड़े हो तो बहुत कर्ज पड़ेगा ना। ये जो 50, 100, 200 बचाने के लिए आपकी तो पूरी दिहाड़ी जा सकती है। हाँ जी, मुश्किल है फिर ज्यादा, लेकिन हुकूमत को देखना चाहिए क्या होना चाहिए, मुझे बताएं कि जो इतने पहले दुकानों पे मिलता था सबके लिए आसानी वहाँ पे फ्राहमी कर। हाँ जी, सबके लिए इजी होना चाहिए दुकानों पे, मार्केटों में जैसे पहले दुनिया में मिलता था सबको, ऐसे मिलना चाहिए। ऐसा तो जलालत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल? ठीक ठाक। क्या नाम है? मोहम्मद रमजान। रमजान साहब, देख रहे हैं लाइनें, ये तो हैरानकुन है। सुनते आए हैं कि यूटिलिटी स्टोर के बाहर ये होता है वो, तो देख भी रहे हैं और ये जैसा पहले देखा था वैसा ही आज देख रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं मैंने देखी। क्या आपने तब्दीली नजर आई है कहीं? यही आपके सामने तब्दीली है, आपके सामने जो जलाल तो नहीं चेंज होगी। कितनी देर से खड़े हैं? ये 2 बजे से। क्या ख्याल है कि कितने मजीद कितनी देर और खड़े होंगे, क्योंकि जितनी लंबी कतार है और लग जाएगा घंटा एक लग जाएगा। कितना टाइम सोच के आते हैं? ये तो लाइन पे मुनसर है। हम क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। हर बंदा तकरीबन ये मजदूरी है, ये ज्यादा मजदूर शो। कोई अपनी जॉब छोड़ के आया है, कोई अपनी मजदूरी छोड़ के आया है। और कितने का क्या आटे का रेट? 400 रुपए 10 किलो। 10 किलो बाहर महंगा है। बाहर कितने के? 700 के करीब पड़ जाता है। 650। हाँ जी। और उसके लिए आवाम इस सस्ते लेने के लिए कई कई घंटे यहाँ पर खड़ी रहती है। हाँ जी, परेशानी है। बहुत शुक्रिया आपका। ये नाज़रीन, यहाँ पर लोग बदस्तूर खड़े हैं, दूसरी जानब भी आपको मनाजर दिखाते हैं। अंदर जाने के लिए लोगों के यहाँ पर दकम पेल है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ज़रा कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि वो यहाँ के हालात भी दिखाएं कि अंदर जाने के लिए यहाँ पर धक्कम पेल की जा रही है और ख़वातीन को ये धक्के से उन्हें पीछे किया जा रहा है। ये वो लोग हैं पाकिस्तान की मजबूर आवाम, जो कि अपने चंद रुपए बचाने के लिए कई घंटों से यहाँ पर खड़ी है, लेकिन अंदर जाने के लिए धक्के दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनका भी ये कहना है कि अपने लाइन से आएँ, नज़्म व ज़ब्त से आएँ। लेकिन आवाम जो कई घंटों से यहाँ पर मौजूद है, खड़ी है, वो लोग थक चुके हैं, वो फिर धक्कम पेल से ही जाएंगे। ये सिचुएशन आपको हम दिखाते हैं। ये मामला आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं यूटिलिटी स्टोर पर। कोशिश करते हैं किसी और से हालात जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या लेने आए हैं भाई? चलें, ये आप देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर के हालात, आटा यहाँ पर है नहीं है और घी के लिए लोग वो कह रहे हैं कोई चीज़ तो मिल जाए। ये भाई से बात करते हैं कि क्या मामला है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं भाई। आप अंदर नहीं गए? नहीं, वो दोस्त गया लेने के लिए ना, तो जाने चला गया शांतिगढ़। चले, शुक्र है। क्या लेने आपने? मैं वो दोस्त के लिए चीनी और आटा लेने के लिए आया हूँ। चले, मिल जाएगा, मौजूद है जी आटा। चले जी, अल्लाह करे मिल जाए यार आपका। सब लोग खड़े हैं इधर तो होना चाहिए। बस जी, थोड़ी देर तक आपकी भी बारी आ जाती है। क्या लेना था? मेरे दिमाग में चीनी लेनी है, आटा लेना है, आटा घी लेना है। तो नहीं है आटा लिया, जो घी तो है ना घी वो लेंगे। हाँ जी। कितनी देर से आए? वे भी आधा घंटा हो गया है। ये इधर तो बहस मुबासा हो रहा है अंदर जाने के लिए, तो अंदर जाना चाह रहे हैं, क्या मामलात हैं? इस जाने भी एक लेडीज बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। वो क्या क्या मामला, क्या लेने आई हैं जी आप? ये जरा इन्हें दिखाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या आटा लेने आई हैं? हाँ, आटा लेने। तो ऐसे क्यों बैठ गई? बस लाइन में खड़ा नहीं हो सकते। खड़ा नहीं हो? हाँ, कमर में दर्द है, लत्तों में दर्द। कब से आई हैं आप? जी 3 बजे दी आई हूँ। अच्छा, तो लाइन में खड़ी नहीं हो सकती? नहीं, खड़ी नहीं हो सकती। यहाँ पे कोई बैठने का इंतजाम? हाँ जी, नहीं इतने कोई इंतजाम, कोई नहीं इंतजाम।
लोग नहीं खड़े हो सकते है बुजुर्ग हजरात, उनके लिए यहाँ पर कोई चेयर वगैरह नहीं? नहीं नहीं कोई चेयर वगैरह नहीं, कोई एवं खड़े हो तो खड़े खड़े चले जाने, अगू ऊंची सा मुक जाने मुड़ चले जाने मुड़ अपने मुड़ खड़ खड़ के चले। आप मुझे बताएं कितने दिनों से आ रही है? नहीं ऐसा साल दो साल हो गए आए थे खड़े खड़े। रोजाना आते हैं? हाँ जी बिल्कुल रोजाना, जरूरत हो तो फिर। हाँ जी चीज़ा घी मिलेगी आगे बैठे। शुक्रिया शुक्रिया जी, यकीनन आपको भी मिलना चाहिए, जल्द से जल्द इसकी फ्राहमी होनी चाहिए। ये आपने अभी लिया? अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या लिया? सर सरफ लिया, साबुन लिए, घी लिए, चीनी लिए। अच्छा आटा नहीं? आटा सर है ही नहीं, आटा आए आए भी तो देते ही नहीं है, दुकानों पे भेज देते हैं, लोगों के गोदामों में भेज देते हैं। अच्छा। जी ऐसे ही है। आप आटा भी वैसे लेने? जाहिर सी बात है सर आटा इतना बाजार में इतना आटा मिल जाता तो इस वक्त वो सबसे जरूरी था। बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी खुशी की इंतहा नहीं होनी। आधे ज्यादा वाम आई आटे के लिए कि आटा मिल जाए, जाहिर सी बात है सर सालन ऐसी थोड़ी खाया जाएगा, रोटी के साथ खाया जाएगा, उसके बगैर तो ये बुनियादी। अगर आटा आपने लेना है, आपने चीनी लेनी है, आपने घी लेना है तो उसके साथ आप पहले सामान खरीदेंगे फिर ही आपको मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा? नहीं आप खाली घी नहीं ले सकते, आप खाली चीनी नहीं ले सकते, आप ना खाली आटा नहीं ले सकते यहाँ से। आप सामान खरीदेंगे 300-400 का, फिर जाके आपको घी मिलेगा, चीनी मिलेगी और आटा। आप जितना ज़्यादा सामान खरीदेंगे उस हिसाब से आपको घी का पैकेट एक मिलेगा, दो मिलेंगे या वो। अगर चीनी खरीदनी है चीनी मिल जाएगी? खाली चीनी नहीं मिलेगी, आपको पहले उसके साथ सामान खरीदना पड़ेगा। कितना सामान, कितने पैसे? तकरीबन 200-250 का आप सामान खरीदें फिर ही आपको चीनी मिलेगी। आटे के अलावा? आटे के अलावा हाँ। कोई भी यानी हर चीज़ के लिए ये दिखाइएगा ज़रा, ये कितने के लिए आपने ये चीनी के? ये है। अच्छा लिस्ट है ये, इसके ऊपर रख लें क्योंकि आप ये ठीक हो गया जी। तो ये इसलिए आप इधर आए हैं क्योंकि जो मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो हाई हैं, जिसकी वजह से आप इधर आते हैं। जाहिर सी यहाँ पर आके वो जितनी आपने अपनी एनर्जी जो होती है वो आपकी वेस्ट हो जाती है लाइनों में। ऐसी बात है सर, काम से छुट्टी करके और समझे कि या तो सामान खरीदना है तो क्या करते क्या हैं आप जरा कैंडी कैमरे की तरफ अपना फेस। सर मैं मेडिकल कॉलेज में जॉब करता हूँ। हाँ अब लैब असिस्टेंट हूँ मैं वहाँ पे, कमरे लिखे ना जो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में होता हूँ मैं। पढ़े लिखे नौजवान जी, ये बताएं कि हम तो एक अच्छा सोशल मीडिया का दौर है, हम तो एक अच्छा चेहरा देखते हैं, दुनिया को दुनिया आगे जा रही है, लेकिन हम रोज़ बरोज ऐसी चीज़ों में, ये कल भी लोग इधर खड़े होते थे, आज से 5-7 साल पहले 10 साल पहले आज भी इधर ही खड़े होते हैं, फ़र्क क्या हुआ है? कोई फ़र्क नहीं सर, कुछ नहीं बदला, कोई वो नहीं हुआ, बल्कि और बिगड़ रहे हैं हालात। पहले तो शायद फिर चले जाते थे आसानी से, अब तो वो आईडी कार्ड भी आप दिखाओ, आप ये आईडी कार्ड नहीं है, आप 2-4 घंटे लग के लाइन में अंदर गए हो, आईडी कार्ड घर भूल गए हो या है नहीं, मजबूरी है या आपका चलान हुआ है या कुछ भी इस तरह, तो बस आप वापस जाओ खाली हाथ, जब तक आईडी कार्ड नहीं आप लाओगे आपको सामान। अच्छा, बताएं क्या होना चाहिए, क्या अमेंडमेंट देखते हैं, कितनी ज़रूरत है इसमें कि इसमें आसानियाँ पैदा की जाएँ आवाम के लिए सहल हो, क्या क्या होना चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ हुकूमत मुहैया? अब देखें अंदर वो बिल बना रहे हैं, 2 सिस्टम रखे हुए हैं इनके, ठीक है, वो बिल भी इतना स्लो बन रहा है। अब जाहिर सी बात है और आवाम जब भी वो अंदर जाएंगे, जब बाहर की आवाम अंदर की आवाम बाहर आएगी फिर ही बाहर से लोग अंदर जाएंगे, और बिल बन रहा है वो भी इतना स्लो स्लो बन रहा है। आप अगर आपके सिस्टम पे 2 सिस्टम रखे हैं, काम स्लो हो रहा है, 3 कर लें 4 कर लें उसे बढ़ा लें आप, जाहिर सी बात है बढ़ाएँगे लोग भी, आवाम को भी थोड़ी सहूलत होगी, उन्हें टाइम बचेगा उनका, जल्दी वो सामान ले पाएंगे, जल्दी फ्री होंगे। इसके अलावा फिर मैंने ये देखा है कि जो यहाँ पे मरीज़ा ख़वातीन हैं या मर्द हैं जो कि मरीज़ हैं, वो घंटों में लाइन में जब लगेंगे तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्या उनके लिए कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। अभी मैंने इधर अपने लेफ़्ट साइड पे मैंने अभी यहाँ पर बैठी थी एक अम्मा जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, मैंने कहा क्यों आप बैठी हैं, बोले मैं आटा लेने के लिए खड़ी हूँ इधर बैठी हूँ और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। एक शुगर की मरीज़ा मैंने उनसे बात की है, तो बड़ा मुश्किल नहीं है? सर बहुत मुश्किल है, ये तो बुज़ुर्ग तो आ ही नहीं ना सकते, हमारे जैसे जवान लड़कों की हालत यहाँ बिगड़ जाती है लाइन में खड़े खड़े, तो बेहतर करे। बिल्कुल सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेने आई?
घर के लिए राशन और क्या। अच्छा, मैंने यहाँ पर सुना है कि अगर आटा किसी ने लेना है तो उसे खाली आटा नहीं मिलेगा, साथ चीनी वगैरह या घी लेना पड़ेगा। तकरीबन 2,500 की शॉपिंग करने के बाद ही मिलेगा। अच्छा, आटा नहीं जी, आटा नहीं नहीं देते, नहीं देते। अच्छा, ये साथ भी सौदा लो, घी के साथ भी सौदा लो और आटे के साथ भी सौदा। नहीं, मेरे घी भी ना, पैसे ही ना हो, जो गरीब है मजदूरदार है उसने सिर्फ आटे के पैसे हैं, वो क्या करेगा? वो रास्ते जाए, अपने घर जाए। हाँ जी, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है जो कि यहाँ पर मैं सुन रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि आपने अगर साबुन लेना है ना तो उसके साथ भी एक दो चीजें लो, एक आधी चीज अकेली नहीं मिलेगी। घी लेना है तो 300 की 400 की शॉपिंग करो। सही तरह सौदे कोई भी सही तरह नहीं दे रही है, चले जाओ। इतनी दलालत देते हैं सौदे देते वक्त ही। तो अगर आपने शॉपिंग के हिसाब से की कि आटे लेने के मारे 100 की शॉपिंग की ना, तो वो आपकी चीजें रख लेंगे। आप भी जाओ और शॉपिंग करो तो ले जाओ, नहीं तो ये चीजें रख के जाओ। अगर अपना आईडी कार्ड नहीं लेके आए, घर में से किसी का भी लेके तब भी सामान रख के चले जाओ। इतनी लाइन लगने के बावजूद हमें वापस जाना पड़ता है, और कभी कभी तो हमें आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, घी नहीं मिलता, तो बंदा क्या जहर खा ले इससे अच्छा फिर। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसने एक को पता है कि चलो यार आटा यहाँ पे सस्ता मिल जाता है, आटा या घी सस्ता मिल जाता है, चलो कोई नहीं, घर की छोटी सी चीज़ हम थोड़ी सी ले ही लेते हैं यहाँ से, वो कहते हैं नहीं कि हमारा दूसरा भी मैनेज बराबर रखो हर चीज़ का। तो मगर हर इंसान ने अपने घर का भी तो लेवल देखना होता है ना। 400 का साथ सौदा लो तो के मुताबिक ही सौदे लेने पड़ते हैं, या हाथ में से सौदे छीन लेते हैं और कह देते हैं जाओ निकलो यहाँ से। के पास 2,500 रुपया या 2,000 रुपया नहीं है, वो कैसे लेगा? नाजिन, ये एक बड़ा सवाल है। और इन्होंने कहा है कि जो मैं सुन रहा हूँ इधर, ये हैरान कुन इंकशाफ आते हैं कि एक बंदे के पास पैसे ना हो, वो जब तक पैसे ना होंगे। अच्छा, आईडी कार्ड का मैं ज़रा इनसे क्लियर करता हूँ, आईडी कार्ड का आप कह रही हैं आईडी कार्ड अपना ही चाहिए? अपना ही, घर के किसी फर्क का नहीं, नहीं। क्योंकि अगर घर के किसी तो उसको ले के आओ, तो अगर वो घर में नहीं है तो क्या किया जाए? राशन लेने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, राशन तो जंगों में भी दिया जाता है, जंग भी हो तो वो कहते हैं कि खाना नहीं बंद किया जाएगा। हमारा मुल्क ऐसा है कि देने वाले को देते हैं, जिसको देना चाहिए उसको नहीं देते। जिसका घर भरा हुआ है ना उसको भरेंगे, जिसका घर खाली ना उसे वो भी छीन लेंगे। आप ये नवाला क्यों खा रहे हो? बहुत शुक्रिया जी। ये यूटिलिटी स्टोर है, लिखा हुआ है मियारी अशिया मुनासिब दाम, मुनासिब दाम। यहाँ पर हम समझते हैं कि ये वो लोग जो कि गरीब मजदूर हैं वो यहाँ पर आते हैं, जिन अफोर्ड नहीं कर सकते, एक मुनासिब चीज़ है, हकूमत की तरफ से यहाँ से सब्सिडाइज अशिया मिलती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि उनके लिए भी आपको बहुत सारी फार्मेलिटीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रश जो है वो लाइन फिर बढ़ती जा रही है, और ये मेन रोड है इस वक्त, ये यहाँ पर जो ये लाइन पीछे की पीछे चली जाती है। जी भाजी, क्या कह रहे हैं? इसे सामान वो लोग महंगा सस्ता लेके जाते हैं इन्हीं जगह से, और दुकान पे डबल रेट पे बेच रहे होते हैं। यहाँ से मतलब वो 300-350 का घी है तो बाहर वही 500 का बिक रहा है। ऐसा है, यहीं से चीनी सस्ती ले जाके वही दुकानों पर महंगी रेट में दी जा रही। ये उन लोगों को देते हैं सामान। यहाँ से आप देखोगे एक बंदे के पास 20 पैकेट भी हैं, 10 पैकेट भी चीनी के, घी के, और हम जो लाइनों में लग लग के खड़े, हमें नहीं मिलेगा एक तोड़ा भी। क्यों हम हमारे इतने हिलात मारेंगे, हमें एक आटे का तोड़ा भी नहीं मिलेगा? उनको तो दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने जो उनको प्रॉफिट देनी है, हमने कौन सी प्रॉफिट देनी है? बिल्कुल, ये बात ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, कहना चाहेंगे भाई? यहाँ बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तकरीबन रोज का ही है, और रोज लड़ाइयाँ भी होती हैं यहाँ पे। हाँ जी, कल भी ट्रक पे लड़ाई हो गई थी। ट्रक आप कितने दिनों से आ रहे? हम आते हैं तकरीबन राशन लेने, क्योंकि एक दफ़ा घी मिलता है उसके साथ शॉपिंग करनी पड़ती है, फिर आटा देते हैं तो उसके साथ शॉपिंग होती है, साथ शॉपिंग लाजमी है। आईडी कार्ड दर्ज होता है और एक आटे का थोड़ा, और 4 या 3 मिल जाते हैं घी के, तकरीबन 2,500 की शॉपिंग पे, और साथ घी मिलते हैं, बस इस तरह से मिलता है। और अमला भी बहुत बदतमीज़ है अंदर, देखा है कि ये एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे भी, कोशिश करेंगे कि ख़वातीन को यहाँ पर धिक्के भी दिए जा रहे हैं, वो देते हुए भी मैंने देखा है, और मर्द जो है यहाँ पर एक खड़ा है जो कि ख़वातीन को भी पीछे पीछे करता है। ये उनकी तज़ीम के ख़िलाफ़ है, ये मुसलमानों का मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पर कैसे कोई किसी को टच कर सकता है, ये भी एक चीज़ देखने वाली है। भाजी, आप कहाँ से आई? मैं
मैं टाउनशिप से ही आई। कितने दिनों से आ रही हैं? काफी दिन हो गए। ये ना सोता से इतना देते नहीं, अगर लाइन बारी आ जाती है तो फिर 2 किलो घी देंगे, कहते ये लो वो लो, जितनी गुंजाइश होती है उसके मुताबिक ही सौदे लेने पड़ते। और ये हाथ से छीनते हैं ना तो भगा देते हैं, और कहते हैं अपना शनाख्ती कार्ड होगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। काफ़ी दफ़ा इन्होंने ऐसे किया, बल्कि औरतों को धक्के देते हैं ये। हमने कहा भी आप हमें हाथ ना लगाओ, हम पीछे खुद हट जाते हैं। कहा है ये बात? हाँ, लेकिन ये खुद धक्के देते, इनको क्या हक बनता है अभी औरतों को हाथ लगाने का। ये बहुत बड़ी बात ने बात की है, यकीनन उनका कोई हक नहीं। कह दे भी मुँह से कह दे भी आप बाजी पीछे हट जाओ, और ये खुद हाथ लगा के पीछे धक्के देते हैं, और सही तरह ये सामान देते ही नहीं है, और गुंजाइश के मुताबिक ही चीज़ें लेने पड़ती हैं। और ये हाथ से छीन के ना तो शनाख्ती कार्ड फेंक देते, जाओ निकलो। धक्के भी देते? हाँ, धक्के भी देते हैं। काफ़ी दफ़ा इन्होंने ऐसे किया हमारे साथ। अच्छा, आप ये बच्चा है कितने साल का? ये 2.5 साल का है। और उसे आप लेके आए? हाँ, उसे पहले भी ऐसे लेके आए? हाँ, काफ़ी दफ़ा लेके आए। वो देख के इतना नहीं करते कि बच्चों वाली जो है वो थोड़ा ख्याल नहीं देते, अंदर जाने ही नहीं देते हैं, कहते हैं बारी का इंतजार करो। मैंने कहा बारी के साथ ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये धक्के देते हैं, किसी की तमीज़ ही नहीं करते, औरतों के बदतमीज़ बोलते हैं। आपके कितने बच्चे हैं साथ अभी? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे आपके जो साथ लेके? जी, साथ लेके आए, लेकिन घर नहीं छोड़ सकते? नहीं, ये रहते ही नहीं है घर किसी के पास। नाज़रीन, ऐसे लोगों को भी देखना होगा कि ये वो लोग हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, इनका ख्याल होना चाहिए, इनके लिए कोई अलग कोटा होना चाहिए, कोई अलग दरवाज़ा, इनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट। क्या नाम है सर? मोहम्मद आजम। यहाँ पर लेडीज से आप क्यों झगड़े हैं? क्या बात? बीबी गलत आ रही है, जो लाइन वाले खड़े बेचारे पीछे खड़े हैं, दूसरे इनसे पूछ लें, ये बता देंगे आपको, इनसे पूछ लें। कब से भाई खड़े हुए हैं, और जो पीछे से आ रही हैं वो आगे आई जा रही हैं। ये मामला है। अब सर आप बताइए। बस यही मामला है कि उन्होंने कहना जो लाइन वाले तरतीब ना लाने पर, जिन्हें बीबियाँ पहले भरी पहले आवन, जो दूजे आने दूजे आवन, जी एक औरत उन्हें आई अंदर उन्हें इंटर होकर समान लेकर बाहर। यहाँ पर खवातीन का ये कहना है कि आप उन्हें धक्के देते हैं, उन्हें पीछे को करते हैं, ऐसा मामला नहीं, आप का नहीं कह रहे ऐसी बात है, ये धक्के नहीं देते। हम इनको कह रहे हैं कि जो पीछे से आई है वो आगे चली गई है, नहीं इन्होंने कुछ नहीं कहा, हाथ नहीं लगाया इन्होंने पीछे, हाथ से नहीं 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 नहीं। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब बुनियादी मसला क्या? अब क्या करें, एक लिमिट पे जो लोग औरतें पीछे से वो बता रही हैं आपको ना। जी जी, हम लोग 1 बजे से आकर खड़े हुए हैं, ये पीछे से आकर तो आगे आई जा रही हैं। सर वो कह रही हैं पीछे से वो आगे आ गई, तो उनको क्या करें? औरतों रोकिए, रोक दे। आप कह रहे हैं कि पहले जनाब उन्होंने एक औरत जल्दी जल्दी अगे भज के आ जाती है, दूसरी पीछे खड़ी रह जाती है। चले जी, आइएगा अंदर दिखाते हैं। तो फिर इसका हल आपने क्या सोचा है, ये तो जरा बता दें हमें। हाल की करिए ना, तो औरतों से इज्जत करते तो इज्जत और इज्जत बनाना चाहते हैं, लेकिन उन क्या करें? ये तो बड़ी अच्छी बात है, आइए देखें करनी चाहिए। दो शीशे तोड़ दिए। ये यकीनन ये मैनर्स इख्तियार करना, आए जी अंदर आए। आखिर खवातीन का ये कहना है कि यहाँ पर दकम पेल है, और उनका भी एक अपना मामला है कि जब इतने ज़्यादा ब्रश से लोग अंदर आएंगे तो वो तरतीब से उन्हें जाने का कहते हैं, तो उन्हें भी आवाम को भी इसमें तरतीब की ज़रूरत है कि अपनी लाइन से जाएँ, नज़्म व ज़ब्त से अंदर जाएँ, ताकि मामला बेहतर हो सकें। ये इस वक्त हम आपको यहाँ के यूटिलिटी स्टोर के अंदर के मनाज़र दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आटा नहीं मिला? नहीं, आटा नहीं मिला। चलिए आटे का पूछते हैं उनसे। आप भाई आइएगा, आप यूटिलिटी स्टोर पे इधर काम करते हैं? आप काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? रमज़ान। रमज़ान भाई, आटा नहीं? आटा कल सर वो गाड़ी लेके आए थे, उनके मालकों की लड़ाई हो गया। रेट आटे का? 400 रुपये। 400 रुपये 10 के? 10 के। 15 का क्या है? 15 हमारे पास होता नहीं, हमारे पास 10 की पैकिंग या 20 की पैकिंग होती है। 20 का क्या है? 800। और वो यहाँ पर मुयसर भी नहीं? मुयसर का लाया था, इसी तरह के हालात थे जैसे आज रश लगा है, कुछ आवाम ने रास्ता नहीं दिया उसको, कुछ ऊपर से वो लड़ाई होगी, फिर उन्होंने जाके पीछे कंप्लेन कर दी है। मुझे ये बताइएगा कि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कल आटा लेने के लिए आए, उन्हें नहीं मिला, वो आज फिर आए हैं, और उनका कहना ये है कि हमें आटा नहीं मिला, हम आज दोबारा आए हैं। वो ट्रक जो वापस चला गया है और जिन लोगों को नहीं मिला आटा, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार आवाम खुद है, कौन जिम्मेदार है? सर आवाम कैसे है, मतलब वो बता रहे हैं कि लड़ाई इनकी अपनी है, आवाम बीच में पिस गई है। तो फिर वो उनको वो मालिक हैं, वो ये यूटिलिटी जो बिल्डिंग है ना, ये उनके मालिक हैं, उनके साथ लड़ाई हुई है उनकी।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि आटे को अगर वो ट्रक यहाँ पे खड़ा होने का मसला था थोड़ी आगे करके आप आवाम को दे देते? सर इस तरह बाहर भी नहीं रखते, अंदर आटा आता है। ये आटा तो बुनियादी जरूरत है, कैसे आपने आवाम को ये बताएं मुझे? वो उतरता तो आम लेती था, उतरता तो आम लेती ना, इधर उतरना था, गिनती होना था। आप तो आप थोड़ा आगे करके कर लेते अगर उस वक्त ये मामला चल रहा था। आप देखे ना जो इतनी दूर से आया है वो कैसे अपना काम छोड़ दिया है, तो आपको देखना चाहिए। बहरहाल अंदर के हालात आपको और हम दिखाते हैं। ये अंसारी अब सुबह से इतने रश में खड़े हैं तो अब कह रहे हैं घी नहीं है, अब अंदर बारी आई तो अब उन्होंने घी गायब कर दिया, कह रहे घी नहीं है, घी नहीं है। जब इतने कितनी देर खड़ी थी आप? तकरीबन 12 बजे से आए हुए हम, तो अब घी नहीं है। इतने घंटे खड़े होने के बाद जब अंदर आए तो अब घी नहीं है, आटा नहीं है, घी नहीं है, तो गरीब क्या करे इंसान, बताए ना। चलें ये सूरत हाल है जी यहाँ पर, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। सर आप क्या कह रहे थे सामने? मैं क्या इतनी देर खड़े खड़े होके अंदर आए थे, घी खत्म है, घी खत्म हो, क्या करें, ये मामला है। ये यकीनन एक परेशान कुन सिचुएशन है जो कि आज हम बता रहे हैं। वो दूसरी जाने मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, वो बताएं वहाँ पे बदस्तूर जो है ना ख़वातीन के साथ वो जो तू मैं जारी है, हर एक का एक अपना मामला है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये सारे मामला था हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ ख़वातीन का एक जमे गफीर है, दूसरी तरफ मर्द हज़रात का है। तो ये सारे मामला जो है ना ये आपको इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के अंदर के मनाजर हम दिखा रहे हैं। ये सारा दिन ऐसे ही चलता है क्यों सर? ऐसा ही है सारा दिन, ये मामला ऐसे ही हैं, ये रश नहीं, नहीं सर सिर्फ घी का रश है, और जब घी खत्म हो जाएगा रश कम हो जाएगा, रश कम। अच्छा घी है अभी? अभी सेल हुआ है, सुबह 11 बजे का आया था, अभी सेल हुआ है, यानी खत्म हो गया। हाँ जी, तो ये जो इतने लोग बाहर, इनका क्या होगा? ये कल फिर आएगा, कल फिर आएगा, आज वो ऐसे ही जाएंगे वापस, जितना हमें कोटा देते हैं उस हिसाब से हम चलेंगे। वो उन्हें कहते नहीं कल भी, आज आटा नहीं है, आटा कल भी, इंचार्ज आपको बेहतर बताएगा, इंचार्ज को ज़्यादा पता हो कस्टमर यहाँ पे काम है, आप काम करते हैं? जी सर मैं वर्कर। आपको नहीं पता इस सर? वो जितना हमारी जितना गवर्नमेंट कोटा देती है उस हिसाब से दे रहे हैं। इंचार्ज को वो जो बाहर है, चलें जी उनसे भी कर लेते हैं बात। आइए आगे सर, आप इंचार्ज हैं, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर घी खत्म हो चुका है? हाँ जी घी खत्म हो। क्यों सर, क्या वजह है इतनी ज़्यादा वाम सर बाहर खड़ी है? 11 बजे का चल रहा है, 560 पैकेट थी उन्हें तकसीम कर लो, 5-5 2-2 3-3 करके देता है, कि तो पूरा करिए। बाकी आवाम का क्या हो? यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग हर बंदा मीडिया वाला जो भी आए, जियो न्यूज़ वाले आते हैं जो भी आते हैं, वो कहते हैं ये यार कस्टमर को 5-5 दें, अभी 2-2 3-3 करके 4-4 करके देने, जिंदा कस्टमर ज़्यादा समझ 5 किलो देने हैं, थोड़े सामने 5 किलो देते नहीं लोग। बात सुने आप ना, 2-2 4-4 5-5 दें, ये इतने लोगों की एक एक भी मिल जाए तो काफ़ी। अगर सुबह आप यहाँ पे आके खड़ा हो जाए एक एक करके दे देना, जो ना पूरा मैं जिम्मेदार देखना आप खुद देना, फिर भी नहीं होगा जो 560 बंदे एक देवेंगे तो 560 बंदा भुगतेगा, 560 को आपको तकसीम कर लें, आप सुबह आ जाएं, आपको यहाँ पे इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे आप खुद। आप कितनी देर से? 1.5 घंटा हो गया। क्या लेने? असिया घ्यो लेना, आटा लेना, तो उस तो बाद सर इनका क्या? अब क्या करें, हमारे पास जितना आ गया हमने मिल मिल चला दिया। आप बताते नहीं, यही चीज़ आप कह देंगे कि हम क्या करेंगे तो करेगा ये तो हुकूमत को है ना, वो पीछे मैं कहते नहीं है, हम कहते हैं हम डिमांड देते हैं, डिमांड के तहत वो भेज देते हैं। थोड़ा बयान साडा ले लो ना, टाइम ना ले जी, गल है कि भाई ने कि साढ़े हुक्मरान इन्ने चंगे ने ना कि दुनिया तो सब तो अच्छे ने, तो जो बाकी तो हुक्मरान तो सब तो ज़्यादा बर्बाद हो चुके ने, ये हुकूमत साड़ी सब तो ज़्यादा बर्बाद हो गए। चले ऐसे आप लूज टॉक ना इस्तेमाल, इन्हों की कोई गलती नहीं, अगर इन्हों कोई हुकूमत दे चीज़ तो अगर अपने घर से कोई नहीं शैल जाते है, तो असं आवाम वास्ते रखे इन्होंने, जेकर इन्हों नहीं मिलनी तो सानू कितों देंगे, असी इन्हां दे बयान लै लिया की करांगे। एक बात है, कोई आदमी तुहाडे सामने घी लैके नहीं जा रहा है, 1:15 बजे 1 बजे का वक्फा है, मैं 1:15 बजे बंद किया, लोगों ने घी दे देना कि चल यार चलना चाहिए, जितने लोग ज्यादा बुलाए उतने बुलाए, अब क्या करें, एक लिमिट में जितने लोग बुलाए बेचारे परेशान भी कर देने, लेकिन इन्हां दी कोई गलती नहीं, ये शीशा पिया पिछे पैने 3 बार शीशा टूटा मेरा, अते फिर भी लोगों ने शर्म नहीं आनी, अपने बच्चों ने उन्होंने बस दाणा पानी दी है, तो बच्चे जो उन्होंने नजर नहीं आते तो गंदी मौत मरना इन्होंने, अरे मौत बड़ी गंदी आनी जे। हुकूमत वक्त को ये देखना होगा, आवाम के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करना होगा, ये वो लोग हैं जो गरीब हैं, मजदूरदार तबका है, परेशानी के आलम में यहाँ पर आए हैं, इन्हें आटा ना मिलेगा, इन्हें घी ना मिलेगा, इन्हें कौन देगा? हुकूमत का काम है रोटी कपड़ा और मकान का नारा बुनियादी नारा है,
नारा तो लगाया जाता है लेकिन चीज़ें फ्राहम करने से बनती हैं। इंसान को तभी खुश होगा, आपका वोटर है ये कोई एलियन नहीं है, पाकिस्तानी अवाम है, इनके मामलात को एड्रेस करना होगा। अब यहाँ से अपने मेज़बान उसामा खामिस मिनास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हामी नासिर।